दोस्तों, आपको बचपन में ज्यादा अच्छी पेंसिल कौन सी लगती थी, नटराज की पेंसिल या अप्सरा की पेंसिल? आप ये सुनकर थोड़ा चौंक जाओगे कि ये पेंसिल ब्रांड एक ही कंपनी बनाती है जिसका नाम है हिंदुस्तान पेंसिल लिमिटेड। पर एक ही कंपनी एक ही सेक्शन में दो दो ब्रांड किस लिए खोलना चाहती है? दोस्तों, इसको बोलते हैं मल्टी ब्रांडिंग टेक्निक। इसमें टारगेट किया जाता है अलग अलग सेक्शन और अलग अलग कस्टमर लोगों को। जैसे अप्सरा का एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिखाया जाता था कि ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डार्क पेंसिल है, और नटराज का एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिखाया जाता था कि ये एक इकोनॉमिक पेंसिल है। ऐसे ही आपको मार्केट में काफी ब्रांड मिल जाएंगे, जैसे डव का साबुन या लाइबॉय का साबुन। इन दोनों साबुन को भी एक ही कंपनी बनाती है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। फोल्स की कार या फोल्सवैगन की कार, दोनों ही एक ही फोल्सवैगन के ग्रुप में आते हैं। मार्केट में आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे जिसमें से मैंने कुछ आपको बताए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर लो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और जो पास में बेल नोटिफिकेशन बन के आ रहा है उसको ऑल पे सिलेक्ट कर दो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पता लगे। तब तक के लिए बाय, मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में कुछ नया लेके।